स्टेडियम के अंदर जाने के लिए परमिशन लेने गए थे, बट वहाँ का जो जो कर्मचारी था उन्होंने मना किया तो नहीं। आप सभी को अपने YouTube चैनल मिथिलांचल बॉय पे तो के समक्ष बिहार का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो हमारे घर से कम 2 किलोमीटर की फासला है, मैं बताऊंगा कि इसका नाम मुनिहुलक स्टेडियम क्यों पड़ा और कब इसका निर्माण किया गया। चलते हैं स्टेडियम की ओर, बने रहे वीडियो के साथ। आगे बिहार का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देखिए, तो कदम कुआ के पटना के अंतर्गत आता है। आखिर अंत तक हम स्टेडियम पहुँच ही गए और यहाँ पे देखिए बच्चों जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो उसके कोच द्वारा खिलाया जा रहा है बैक कैमरे से। उनके बाहर है ये बास्केटबॉल ग्राउंड है जो बच्चों उसके कोच के द्वारा खिलाया जा रहा है। देखिए कितने कितने छोटे बच्चे हैं और टीम की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे ये दोस्त हैं देखिए, तो वो भी मास्क पहने हुए हैं, हम भी मास्क पहने हुए हैं क्योंकि कोरोना काल है और यहाँ पे बहुत आप देख रहे होंगे बहुत भीड़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पर जो फिजिकल एकेडमी है जो रेलवे बिहार पुलिस के लिए तैयारी कराया जाता है, आर्मी के लिए तैयारी कराया जाता है। और आगे आप लोग को जानकारी दे दूँ स्टेडियम के बारे में, तो चलते हैं स्टेडियम की ओर। अभी स्टेडियम के बाहर है हम लोग और देखिए यहाँ क्रिकेट एकेडमी भी है और ये यहाँ भी है और यहीं पे एक बार 2018 में ईशान किशन हम देखे हुए थे खेलते हुए यहीं पे यहीं एकेडमी में और बॉलिंग करते हुए ऐसे देखे हुए थे 2018 में, याद नहीं है अक्टूबर या नवम्बर में देखे हुए थे। और यदि एलो होगा स्टेडियम के अंदर जाना तो हम आप लोग के समक्ष दिखाएंगे कि वहाँ अंदर में क्या क्या दृश्य है, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए क्रिकेट एकेडमी ऑफ बिहार जो यहाँ पे एकेडमी है जो सिखाया जाता है बच्चों लोग को कैसे क्रिकेट खेला जाता है। ये एकेडमी का ग्राउंड है देखिए, और यहाँ आपको जब मैं गेट पर आया था तो आप लोग को मैं दिखाया था कि पदमकुआ थाना के अंतर्गत ये आता है
और ये यहीं पे थाना है। देखिए गाड़ी को पड़ा हुआ है, जो बिजनेस सेंस या कुछ के कारण जो पकड़ा गया है। देखिए यहाँ पे गाड़ियों की ढेर लगी हुई है। एटीएम के अंदर जाने के लिए परमिशन लेने गए थे, बट वहाँ का जो कर्मचारी था उन्होंने मना किया, तो नहीं कोरोना काल के कारण अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो हमने सोचा कि बाहर ही इसके बारे में कुछ बताया जाए, तो सबसे पहले इसका निर्माण 1969 ईस्वी में हुआ। इसका जब निर्माण हुआ तो इसका नाम राजेंद्र नगर स्टेडियम था, फिर ठीक एक साल बाद इसका नाम मन हुलक स्टेडियम पड़ा गया। और जो मन हुलक जी कौन थे इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। मन हुलक जी जो एक BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उनके प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, जो क्रिकेट में बहुत रुचि रखते थे, उसी के कारण जो बिहार का इंटरनेशनल स्टेडियम बना। और जो सबसे पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया 1993 में, जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने जीत हासिल की थी। और ठीक उसके बाद 1996 ईस्वी में खेला गया, जो जिम्बाब्वे और कोरिया के बीच खेला गया था, जिसमें जिम्बाब्वे ने जीत हासिल की हुई थी। और इसके साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और ऐसे ही प्यार ढेर सारी प्यार बनाए रखे, और यूट्यूब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहे। और बस यही, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।